आपातकाल में आपका स्वागत है। मैं आपातकाल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली में कुछ ऐसा हो रहा है जिसको आप भी देख करके कहेंगे कि वाकई इस देश में एक आपातकाल जैसी ही स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली में आज दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं आतिशी, वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर जा रही थी। आम आदमी पार्टी के दफ्तर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा। आम आदमी पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता दिल्ली में घूमते हुए पाए जा रहे हैं तो उनको पकड़ करके जेल भेजने की बात की जा रही है, जेल भेजने का काम किया जा रहा है। ऐसे ही आतिशी जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं वो जा रही थी कहीं, दिल्ली पुलिस ने उनको देखा, उनकी गाड़ी को रोक दिया और उनसे पूछने लगी पुलिस की, आप कहाँ जा रही हैं? क्या इस देश में कहीं आना जाना आप प्रतिबंध हो गया है? क्या कहीं आने जाने के लिए पहले दिल्ली पुलिस से या किसी पुलिस से अनुमति लेने की जरूरत है कि हम यहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ से आ रहे हैं? क्या इस देश में लोगों को आने जाने पर अब प्रतिबंध लगाया जाएगा? पहले आप ये वीडियो देखिए कि उसमें आतिशी क्या कह रही है और दिल्ली पुलिस का ये जवान क्या कह रहा है। चलिए आइए बैठिए, चलिए आप आइए हमारी गाड़ी में, आइए हमें लेके चलिए, आइए बैठिए, नहीं आप बैठो आप हमारी गाड़ी में। आप जाना कहाँ जा रहे हैं? मुझे अपने घर जाना है। नहीं, यही बैठ जाते, ये तो गजब गुंडा ही है। यहीं बैठ जाओ सारे, बैठ जाओ, 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 अरे आपने रोका, गोली मार दो, गोली मार दो, अरे गोली मारो ना, गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो, खत्म करो ना लोग, अरे अपोजिशन को खत्म करो, अपोजिशन को खत्म करो, गोली मारो, ये हाल है, जनता पार्टी के ये हाल है। पार्टी ऑफिस जाने से हमें रोका गया, पार्टी ऑफिस से निकलकर सौरभ भारद्वाज जी, दुर्गेश पाठक, आदिल अहमद खान और मैं मेरे घर जा रहे थे, प्रगति मैदान पे एबी 17 पे मेरा घर है। हम यहाँ पे बारह खम्बा रोड के फ्लाईओवर से नीचे उतरे और इन पुलिस वालों ने मेरा चेहरा देख के गाड़ी रोकी। अब ये कह रहे हैं हमें अपने घर भी नहीं जाने देंगे, ये क्या तानाशाही चल रही है? आप हमें पार्टी ऑफिस नहीं जाने देंगे? आप तो आपने रोका हमें, रोक रहे हो हमें, क्यों रोका? क्यों रोका? क्यों रोका? आपका बता के जाएंगे क्या सर? आपका क्यों बताए, क्यों पूछ रहे हैं आप, क्यों पूछ रहे हो आप, क्यों पूछ रहे हो आप, कहाँ जा रहे हैं, घर जा रहे हैं अपने? किसी को रोक लेगा इसे? आपने कॉल दी हुई है प्रदर्शन की, दिल्ली में 144,000 लगी हुई है, 144 लगी हुई है, अभी कॉल दी हुई आपने, क्या कॉल दी बताइए? कि आप शहीदी पार्क में इकट्ठे होंगे, तो ये शहीदी पार्क है, ये शहीदी पार्क है, इतना ही पूछा ना आपको, इतना ही पूछा आपको, हमारी गाड़ी में चलते हैं, ठीक है मैं भेज रहा हूँ, आप चलो, आप चलो, आप चलो, आप चलो, अरे मेरा मैं हूँ, अगर आपको सीन के लिए, सीन के लिए इतना बात कह रहे हैं कि आप पूरे अपोजिशन को एक साथ गोली मार दो खड़ा करके ना, काम खत्म हो गया, अच्छी बात वही चाह रहे हो आप लोग सर, हर चौराहे पर रोक रहे हो, क्या चेक चेक करिए ना, नहीं चेक कर रहे हो आप, चेहरा देख के रोक रहे हो सर, ठीक है आप चेहरा देख के लोगों को रोक रहे हो, गलत बात है, ये गलत बात है, आप लोग मोदी की नौकरी मत करिए, लोकतंत्र की नौकरी करिए, मोदी की नौकरी मत करिए, लोकतंत्र की नौकरी करिए, संविधान की नौकरी करिए, चलो आप छोड़ो, हम बच्चे ही हैं, आप रोक रहे हैं, हर चौराहे पर रोक रहे हैं आप लोग, किसी को घर ही नहीं जाने दोगे, ये तो गलत बात है सर, तमाशा बना दिया। ये दिल्ली सरकार में मंत्री हैं आतिशी,
वो जा रही थी, अपने घर जा रही थी, वो साफ कह रही हैं कि हम अपने घर जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस का जो जवान है वो उनको रोका, पूछा कहाँ जा रही हैं आप, और उनकी गाड़ी से सबको उतार लिया। आतिशी गुस्से में उतरती हैं और कहती हैं कि आप भी हमारे साथ चलिए। क्या इस देश में किसी को कहीं आने जाने के लिए अब पुलिस से परमिशन लेने की जरूरत है, बीजेपी से परमिशन लेने की जरूरत है, सरकार से परमिशन लेने की जरूरत है? क्यों आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार से रोका जा रहा है? आतिशी ये कह रही हैं, एक दूसरा वीडियो है जिसमें वो कह रही हैं कि हम चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, आपको अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना था, आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, अब हमें चुनाव में जाना है, देश में लोकसभा का चुनाव होना है, हमें अपनी चुनाव का तैयारी करना है। लेकिन दिल्ली पुलिस पूरे आम आदमी पार्टी के दफ्तर को चारों तरफ से सील कर दी है, उसमें ना किसी को आने जाने की अनुमति है। आप सोचिए कि देश किस दिशा में जा रहा है, सरकार किस तरह से जनता को, राजनीतिक दलों को किस तरह से ट्रीट कर रही है, किस तरह से उनके साथ व्यवहार कर रही है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।